प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, कोई दिन आज अपने मिलल रहिए तब बोलने रहिए कि हमे जीरो बजट से और श्री विधि से गेहूँ के खेती करै छियै, तो वह के लिए ले लिए हम अपने तनी समय दे के हमरा बताए देती है। अच्छा भैया, अपने अलिए देखे के लागी बीज से उन्नत केना होइ छै, केना जीरो बजट से खेती कोन की करल जाइ छै। अब ठीके छै, हम अहाँके देखेबै, चलिए देखिए। हमे जे छै काल्हिये जे छै बीज के शोधन करे के लागी दए देने छलिए, अंकुरित तऽ भऽ गेल छै, चलिए अहाँ देख लिए केना की करै छियै। एक कट्ठा खेत छै भैया, एहिमे 8 किलो वर्मी कम्पोस्ट डालि देने छियै। आब ट्रैक्टर आयल छै, एकरा जोताबैके छै, आब जोततै ट्रैक्टर। तऽ एक कट्ठामे मतलब 8 किलो दीदी लगै छै वर्मी कम्पोस्ट ने? 8 किलो भी आओर 9 किलो भी दए सकै छियै। 9 किलो देबै तऽ आओर फायदाकारी छै, 1 किलो बढ़ाके देबै तऽ आओर बढ़िआँ बात छै। तऽ अच्छा बात छै, तऽ ठीक छै, जोताइ दियौ खेतके। श्री विधि जे गहूम के रोपाई करै छियै, एकर रोपाई के की उद्देश्य छै दीदी? अच्छा भैया, श्री विधि जे गेहूँ लगबै छियै, एकर उद्देश्य इएह छै कि जे कम बीज लगै छै और एकर उपज जे छै ने ओकरा से ज्यादा होइ छै। अगर ज्यादा उपज छै दीदी? जी भैया। तब तऽ लगबै के चाही। हाँ भैया, तऽ हम बतेबै सबके, हर आदमी के लगबै के चाही। हाँ भैया, सबके बतैयै और सब कहतै तऽ और बढ़िया, जेना हमरा फायदा होइ छै ना सबके फायदा होइतै तऽ और अच्छा के बात छै। अच्छा दीदी, श्री विधि से जे अपने खेती करै छियै तऽ हमरा बतेबे करबै। जी भैया। पहले अपना परिचय दीदी दे देतियै तऽ अति सुंदर के बात रहै दीदी। ठीक छै भैया, हमर नाम नीलू देवी छियै, सूरज समूह के सदस्य छियै और ग्राम भरपुरा थाना चौथम जिला खगड़िया। श्री विधि से जे गेहूँ दीदी रोपाई करै छियै, एकरा में कोन कोन सामग्री के जरूरत पड़ै छै? आधा किलो बीज छै भैया, ई शोधन कयल छै, एकर मुँह देखै छियै फूटल जाइ छै, देखै छियै अंकुरण आबल जाइ छै। आब जे छै एकरा रोपैके तैयारी कयल जेतै, आब एकरा छै बाड़ीमे खेतमे रोपैके छै। हाँ दीदी, एकर मुँह तऽ फूटे लगलै हन, एकरा देखै छियै ने सब मुँह फूटि गेल रहल छै एकदम। ई शोधन करल छै ने दीदी? जी भैया, जस्ती छियै भैया, एहिपर 8-8 इंच पर पुतना लटकायल छै। 8 इंच पर छै दीदी पुतना? जी भैया, ई 8 इंच पर छै, जैसे ई देखै छियै दीदी। ठीक छै, केना रोपै छियै हमरा बताए देबै तऽ? ठीक छै भैया, चलिए हम बताए दै छी केना रोपल जेतै। ई भैया रस्सी छियै, एकरा जे छै किनारा किनारा में जाके एगो यहाँ एगो कोना में जाके किनारा में गाड़ि दै छै भैया। जरा गाड़ दिए उधर दीदी। जी भैया, गाड़ दिए। अब तो दीदी रस्सी गिर गेलै, मतलब आबै पर रोप कर देबै? नहीं भैया, एक और ने रस्सी रह गेलै है, जे एकरा ऐसे ऐसे करके रोपबै तब ने सही से सीधा भर के रोप पड़तै 8 इंच पर। ओ, तो एगो और रस्सी देबै ऐसे ऐसे? हाँ भैया, तब रोप पड़तै ना। ये जे छै भैया, ई रस्सी के ई फुदना के आमने सामने यहाँ गाड़े के छै। आमने सामने छै गाड़े ने दीदी? हाँ, सीधे लेके चल जाओ। दीदी फुदना अथी रस्सी इधरो दे देलिए, इधरो दे देलिए, ई कन्या से रोपाई करबै दीदी? रोपाई भैया इधरे से होइतै,
आर ई रस्सी जे छै ई जे दन ई रस्सी जे छै ने अस्थाई के लागि देने छियै ई नै उखड़ल जे तो उखड़ के ओ ई लम्मा वाला मतलब अस्थाई देने छियै जी भैया ई नै उखड़तै नै आर ई जे देने छियै ने ई चौड़ाई वाला जी ई चौड़ाई वाला जे छै उखड़ उखड़ के ठीक ई पहला जेना फुदना के सामने देने छियै इसी दूसरा इसी से ओ मतलब यहां ई फुदना सामने गाड़ल छै अभी ई रोपाय गेलै फिर एकरा सामने उखाड़ के गाड़ देबै हां भैया वैसे जे छै ने लाइन पूरा सीधा सीधा रोपाय होतै इस लाइन सीधा हम कधरो किधरो से देखबे सीधे नजर आइते पूरा एकदम सीधा होइते किधरो से देखियो वो पट्टी पट्टी वो पट्टी कोनो साइड से देखियो एकदम सीधा रहते तब तो बढ़िया बात छै तब एकरा वै हमरा समझे में ना आबे रे कि दू एगो इधर लगाए देल के एगो इधर कन्या से रोपाय करबे हमरा दिमागे में नहीं आबे रे दीदी ई से जे एक और छै कि जे कतनो टेढ़ा खेत रहते ने ऐसे जे छै सीधा रोपाय होइते तेरो खेत में सीधा हो जीते हां भैया ई रस्सी से नहीं दीदी हां एकदम सीधा ई अंकुरित जे छे गेहूं के बीज ई आब छे छे फुदना के आमने सामने जे छे आब देखियो अहां के हम खुरपी से रोप के दू गो दाना कर के हम रोप के अहां के दिखा रहल छे एई ढंग से जे छे ने लगते बीज सामने करके देखे छे ऐसे कदी से दीदी खुरपी से तै टोभै ले मतलब सिखाइए देले गहुम रोपै ले मशीन से केना रोपै छे दीदी हमरा मशीनो से बताय दियो केना ठीक छे भैया चलिए अपने के बताय दे छी मशीनो से हां हमरा बताय दियो ठीक छे चलिए अभी बीज के जे छन भैया एमे डाल दे छी ओ बीज के एकरा अंदर दर डाले छे दीदी हां भैया एकरे अंदर डाले के छे अब ऐसे जे छे हां अच्छा दीदी एकरा में मतलब दुइये गो बीज गिरे होते हां भैया एमे फिक्स छे कि जे एमे दुइये गो बीज गिरे छे अरे दू गो से ज्यादा नहीं गिरते नहीं एमे दू गो से ज्यादा नहीं गिरे छे बस दुइये गो गिरे छे अच्छा दीदी हमू एकरा जे छे ने चलाय के देखती है तो ठीक छे भैया देखिए ने रास्ते दीदी भाई दिन में चार गो जोन के ये गो बचते दीदी कम बहुत कम होते बाप रे बाप प्रोग्राम तो बहुत तेजी से छे दीदी दीदी श्री विधि जे गेहूँ रोपलिए एकरा से मतलब और सब किसान के की होते फायदा रोपला से हमरा देखिए भैया हमें जे इससे पहले खेती करे छलिए तो ओमे एक कट्ठा में अढ़ाई से तीन किलो लगे छले गेहूँ ई जनरल विधि वाला दीदी जी भैया और अब जे करे छिए श्री विधि से ओमे आधा किलो लगे छे आधा किलो में कट्ठा हो जाए छे दीदी हो जाए छे एकदम बहुत बढ़िया फसल हो छे आधा किलो में और इससे जे छै पहले जे छलै कि जे हमरा जतेक होय छलै उपज इससे अधिक भए रहल छै हमरा एमे उपज श्री विधि से छै दीदी श्री विधि जे गेहूं रोपाय कर लिए एकरा में किसान आर के जो करते तो ओकरा में कोई मतलब कि सावधानियां भी बरते पड़ते एमे हां भैया सावधानी तो छै और ई जे छै 8 इंच के दूरी पर एकदम आमना सामना इहो साइड से 8 इंच इहो साइड से एकदम पौधा के आमना सामना में जे छै ने 8 इंच के दूरी पर पौधा एकदम लगबे के छै और रोपाई के 15 दिन बाद पटावे के छे। अच्छा दीदी इतना बढ़िया से अपने श्री विधि के जे खेती करे छे दीदी एकरा में और कोई किसान दीदी के कोई संदेश भी देवे दीदी हां श्री विधि से 2 साल से गेहूं के रोपाई करे छे एकरा से जे छे हमरा कम बीज में अधिक उपज होय छे यह लिए हम सब दीदी से अनुरोध करे छे कि श्री विधि से गेहूं के खेती करे और अधिक लाभ है अच्छा दीदी अपने जे ई हमरा श्री विधि से गेहूं रोपाई करके जे सिखलिए अपने जितना बहुमूल्य समय दलिए दीदी एकरा लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा दीदी अब हम चले छिए दीदी प्रणाम दीदी प्रणाम